नाजरीन आप देख रहे हैं शहाब टीवी, मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद साहिल। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के यूपी की। हमने देखा कि कुछ दिनों पहले की घटना है, हाथरस में एक गैंगरेप हुआ था जिसमें एक मासूम निर्भया बलात्कार का शिकार हुई थी और उसके साथ बहुत ही बर्बरता के साथ सुलूक किया गया था, उसकी मौत भी हो गई थी। उस वक्त भी प्रशासन ने फरियादी की नहीं सुनी थी, थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी थी, बल्कि उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई। बाद में चीख पुकार मची और एक हलचल मची पूरे देश में, उसके न्याय के लिए आवाज़ उठाई गई। तब कहीं जाकर सीबीआई गठित की गई उसे न्याय दिलाने के लिए, उसके मामले में क्या हुआ था वो अंजाम तक पहुंचाने के लिए। आज फिर एक घटना घटी है बदायूं में। बता दें कि 50 वर्षीय महिला मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर जो जुनूनी होते हैं, जिन पर जिंसियत का भूत सवार होता है, गैंग रेप उस महिला के साथ किया गया जो मंदिर में पूजा करने गई थी। 50 वर्ष की महिला, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्रूरता भरी होगी उन लोगों में, उनकी मानसिकता कितनी गिर चुकी होगी कि उन्होंने 50 वर्ष की महिला को भी नहीं छोड़ा। गैंग रेप किया गया उसके साथ और बाद में उसके साथ ऐसा सलूक किया गया कि उसकी बहुत ही भयानक मौत हो गई। हम यहाँ बोलने से हमें शर्म आती है, हम कतरा रहे हैं कि उसके साथ क्या किया गया। गैंग रेप करने के बाद, बलात्कार करने के बाद ऐसा कुछ किया गया कि उस महिला की मौत हो गई। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो जो रिपोर्ट आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यहाँ भी वही मामला सामने आता है। योगी जी लाख अपने कॉलर को ऊंचा करें, अपनी पीठ खुद तपतपाएं कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बहुत चुस्त और दुरुस्त बना रखा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये जो कांड बदायूं में हुआ है इसने फिर कलई खोल दी है योगी आदित्यनाथ के, यूपी के पुलिस की और वहाँ की अर्थव्यवस्था की, वहाँ के कानून कायदे की, कि किस तरह वहाँ पे कानून कायदा बिगड़ा हुआ है। अपराधी खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं, हम आपको वीडियो दिखाते रहते हैं कि किस तरह तमंचा लहराया जाता है, किस तरह वहाँ के जो भगवाधारी हैं वो मस्जिदों में चढ़ जाते हैं, वहाँ के मीनारों को तोड़ते हैं, वहाँ भगवा झंडे लगाते हैं, हरे झंडे को तोड़कर फेंक देते हैं, नारेबाजी की जाती है सरेआम। अभी हमने आपको एक और वीडियो दिखाई कि किस तरह वहाँ पर मामला चले, आगरा में लोग पहुँच जाते हैं और ताजमहल में जाकर भगवा झंडा लहराते हैं, लेकिन पुलिस है कि अपनी जगह पर खामोश रहती है। योगी जी हैं जिन्होंने उन्हें खुली छूट दे रखी है, ये उनकी खुली छूट का नतीजा है कि आज बदायूं ने फिर एक ऐसा शर्मसार वाकया देखा जिसे फिर मानवता शर्मसार हो गई है। आज फिर वहाँ पर बदायूं के लोग जब वहाँ पहुँचे थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए तो फरियादी की फिर नहीं सुनी गई। और यहाँ तक छोड़िए, थानेदार उस मौके वारदात तक नहीं पहुँचा, जाके उन्होंने घटनास्थल का मुआयना भी नहीं किया है, ऐसे भी आरोप सामने लगाए जा रहे हैं। इसको देखते हुए कांग्रेस की जो बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी ने इस पर अपना एक तंज कसते हुए अपना ट्वीट जारी किया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इसके पहले हाथरस में भी फरियादी की नहीं सुनी गई थी और अब जो बदायूं में गैंग रेप किया गया है उसमें भी फरियादी की नहीं सुनी गई है। ये यूपी की और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की खुल्ला उनकी हार है, उनकी शिकस्त है कि कानून व्यवस्था पर उनकी पकड़ बहुत ही ढीली हो चुकी है, कानून व्यवस्था वहाँ चरमरा चुकी है। यहाँ सवाल उठता है अब उन भगवाधारियों पर, उन अंधभक्तों पर जो योगी और मोदी के गुण गाते नहीं सकते, इस कांड के बारे में अब वो चुप्पी साधे हुए हैं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, गोदी मीडिया भी खामोश है। इस मासूम को, जो 50 वर्ष की एक बुज़ुर्ग महिला है जिसके साथ ये बर्बरता बढ़ती गई है, उसको न्याय दिलाने के लिए जाहिर सी बात है कि हम जैसे छोटे मोटे जो यूट्यूबर हैं, जो छोटे मोटे जो सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, वही आगे आएंगे या वो चैनल आगे आएंगे जो वाकई सच दिखाते हैं। बाकी गोदी मीडिया खामोश तमाशा ही बना रहेगा और कोशिश करेगा कि ये कांड भी कहीं ना कहीं दब जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सांच को आँच नहीं होती, हम जैसे लोग और ऐसे जो पत्रकार हैं रवीश कुमार जैसे लोग आगे बढ़ेंगे और इसको फिर हवा देंगे और लोगों तक ये आवाज़ पहुँचेगी, उसके न्याय की आवाज़ पहुँचेगी। देखना यह है कि योगी की पुलिस और खुद योगी आदित्यनाथ इस कांड के बारे में क्या कदम उठाते हैं, लोगों की नज़रें बनी हुई रहेंगी। बहरहाल बहुत ही बर्बरता के साथ एक 50 वर्षीय महिला जो मंदिर में पूजा करने गई थी उसके साथ गैंगरेप किया गया और इतना घिनौना उसके साथ काम किया गया कि उसकी मौत हो गई है। देखते रहिए आगे की अपडेट के लिए हमारा चैनल। रात को 11:30 बजे 3 लोग हमारी मम्मी को यहाँ पे डाले मार कूट के, पता नहीं क्या किया उन्होंने, हमने देखा तो वो मरी हुई थी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको है? क्या लग रहा है पूरे मामले में? मैं तो ये लग रहा है कि रेप किया है किसी ने उन्होंने। पुलिस को कोई सूचना दी आपने? हाँ जी। कितने बजे छोड़? 11:30 बजे। कितने बजे छोड़ गए? रात के 11:30 बजे।
अच्छा, और कौन साथ थे उनके? तीन लोग थे, बाबा का नाम था सत्यनारायण और वेदराम और गाड़ी ड्राइवर जसपाल। किस वाहन से आए? गाड़ी से आए, बोलेरो। बोलेरो से। आपने सूचना क्या भेजी थी पुलिस को? उसको दिन में गए थे थाने, पुलिस ने कुछ नहीं किया। अभी 112 पे फोन किया। अभी सूचना, कोई आया यहाँ पर? आए। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? आगे बढ़ाइए। परिवार में और कोई है? हाँ जी। कौन है बुला दो, और कल बैठ के।